हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तानाशाह का दूसरा और अंतिम भाग। रास्ते में कपड़े भी इन्होंने ही खरीदे, वरना हम तो कश्मीर की ठंड में ही मर जाते। कंजा खान, कौन हो तुम भाई? पहले तो कभी देखा नहीं तुमको। और बेहद कमांडर ने कब तुमसे संपर्क किया इनको छुड़ाने के लिए? वो हमारा और बेहद की सीक्रेट बात है। किधर है बेहद? हमको अभी उसका पास लेकर चलो, अभी। वो तो ऊपर बम लगाने और कुछ नहीं। आओ, मैं तुमको उनके पास ले चलता हूँ। जल्द ही आ जा कश्मीरा, तू यहाँ पर कैसे आ गया? तू तो मकान की निगरानी के लिए रुका था ना। वैसे बम सही जगह पर फिट हो गया है। प्यूमा और शमशीर भी काम पूरा करके बम बस आते ही होंगे। पर तू मकान खाली छोड़कर क्यों आ गया? वहां निगरानी कौन करेगा? मेरे तीन साथी महानगर पुलिस से बचकर यहाँ तक आ गए हैं। वे मकान में ही हैं। छूट कर आ गए कैसे? कमांडर, तुमने ही तो उनको छुड़ाने के लिए कंजा खान को भेजा था। इसको? कंजा खान कौन है ये? मैं इसको नहीं जानता। अगले ही पल कश्मीर और बेहद सारी बात समझ गए। ये चाल है कश्मीर कश्मीरा, ये जरूर कोई पुलिस का आदमी है, हमारी टोह लेने आया है। मैं समझ गया कमांडर, पर यहाँ पर आकर इसने अपनी मौत को दावत दी है। गोलियों की बारिश कंजा खान की तरफ लपकी, उसके शरीर से भी टकराई, लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाई। मुझे मारने या बचने की कोशिश करनी बेकार है कमीनो, नागराज से बचकर कोई अपराधी आज तक भाग नहीं पाया। तुम लोगों तक पहुंचने का यही एक रास्ता था कि मैं खुद ही भेष बदलकर तुम्हारे आदमियों को भगा दूं और उनके जरिए तुम तक और बम तक पहुंच जाऊं। पुलिस को भी मेरे इस प्लान के बारे में पता था, और अब तक पुलिस तुम्हारे मकान तक भी पहुंच गई होगी। भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं बेहद। खैरियत इसी में है कि अपने आप को कानून के हवाले कर दो। बेहद न कानून के हाथ में आया है और ना ही आएगा, और अब तू यहाँ से बचकर नहीं जाएगा, क्योंकि अब बेहद ने अपनी गनों को जोड़ भी लिया है और उसमें गोला बारूद भी भर लिया है। तुझ पर गोलियों का असर नहीं होता, लेकिन देखता हूँ कि तू रॉकेट अटैक से कैसे बचता है। ये सही है बेहद कि अगर ये रॉकेट कहीं से भी टकराएंगे तो उस चीज को नष्ट कर देंगे। मुझे भी इसलिए इनको ऐसी चीज से टकराना चाहिए जो नष्ट होने के लायक है। नागों की इसी तेजी से नागराज की कलाई से सर्वस्व निकलकर नागराज की तरफ बढ़ते एक रॉकेट रॉकेट की तरफ लपकी, और एक झटके से रॉकेट की दिशा बदल गई। यहाँ पर नष्ट होने लायक चीज मेरा शरीर नहीं, बल्कि तेरी गन है बेहद। नागराज ने रॉकेट को एकदम सही दिशा दी थी। अपनी तरफ बढ़ते रॉकेट को रोकने की चेष्टा में बेहद ने अपने दोनों हाथों से अपने शरीर को छुपाया, और रॉकेट ने उसकी दोनों गनों के पुर्जे पुर्जे हवा में बिखेर दिए। आ बेहद उस झटके से जब तक उबर पाता, नागराज ने उसे लंबी बेहोशी की दुनिया में पहुंचा दिया। ये दोनों तो चित हो गए। अब ऊपर जाकर देखना होगा कि बम इन्होंने कहां पर फिट किया है। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी नागराज, क्योंकि अब तू सीधे ऊपर जाने वाला है, एकदम ऊपर। प्यूमा, खत्म कर दो इसे। प्यूमा नाम से भी और शक्ल से भी दोनों तरह से ही ये खतरनाक फाइटर लगती है। मर नागराज, मर। मुझे इन गुंडों से भी जल्दी निपटना होगा, क्योंकि ये बम फिट कर चुके हैं। इससे पहले कि ये उसे सक्रिय कर सके, मुझे उसे नष्ट करना होगा, और उसके लिए मुझे सर्प सेना का सहारा लेना होगा। नागराज ने वार तो काफी असरदार किया था, लेकिन शत्रु की फुर्ती ने उस असरदार वार को बेअसर कर दिया। ओह, गजब की फुर्ती है इसमें। इसने सर्प सेना को अपने तक पहुंचने से पहले ही काट डाला। वैसे ये ठंडी जगह मेरे और मेरे सर्पों के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि ठंड में हमारी शक्ति क्षीण हो जाती है। मुझे इस बात का आभास होना शुरू हो गया, इससे पहले कि इनको भी इसका एहसास हो जाए, इनको काबू में कर लेना होगा। नागराज ने विष फुंकार छोड़ी तो पीमा को काबू करने के लिए थी, लेकिन अरे, इस स्थान की ठंडक के कारण मेरी विष फुंकार बीच में ही जम रही है। मैं विष फुंकार का प्रयोग नहीं कर सकता, इनको शारीरिक शक्ति से ही काबू में। ओह, वह आदमी ऊपर से चट्टाने लुढ़का रहा है। नागराज का ध्यान पल भर को बटा, और वह उसी स्थान पर आ गया जहां पर बर्फीली चट्टानें गिर रही थी। अब तू फंस गया है नागराज, पिटारी में बंद सांप की तरह। अब तेरे बदन का सारा खून इसी पहाड़ पर बहेगा। आह, बर्फ में दब जाने के कारण मेरे सूक्ष्म सब तेजी से सुप्तावस्था में पहुंच रहे हैं। मेरी शक्ति क्षीण हो रही है, मैं इन चट्टानों को हटा नहीं पा रहा हूं। उधर नागराज जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था, और इधर ध्रुव सोच रहा था कि वह जो देख और सुन रहा है उस पर वह यकीन करे या नहीं। लेकिन शायद मेरे आजादी की खबर हिटलर की दुरात्मा को भी हो गई थी, इसलिए जब मैं इस लोक में जीवों के शरीर के
जरिया आने वाला था, तब हिटलर की आत्मा ने मुझे ढकेल कर खुद आने की कोशिश की। मैंने उस दुरात्मा की मंशा समझते ही वीटो और मारिया को रुकने के लिए कहा, लेकिन ना जाने क्यों वे रुके नहीं और हिटलर मुझे दूसरी दुष्ट आत्माओं की मदद से पीछे ढकेल कर खुद इस लोक में आकर जीवों के शरीर में प्रवेश कर गया। अगर बाद में बिजली चर्च पर गिरकर पल भर के लिए यंत्र में फिर से ऊर्जा का संचार न कर देती तो मैं शायद कभी इस लोक में ना आ पाता। पर मेरे इस लोक में आने तक हिटलर की आत्मा जीवों के शरीर में घुसकर वहां से जा चुकी थी। मेरे सामने सिर्फ मारिया के शरीर में ही घुसने का रास्ता बचा था, क्योंकि उस रूप में मैं इस दुनिया में रह नहीं सकता था। और चूंकि मरने से पहले मेरी कोई अतृप्त इच्छा नहीं थी और मेरे लिए इस दुनिया में आने का कोई कारण भी नहीं था, इसलिए मैं सिर्फ उनके ही शरीर में प्रवेश करता था जो मेरा अपना खून हो। चूंकि हम दोनों एक ही आयाम से आए, इसलिए मैं हिटलर की दुरात्मा की तरंगें महसूस कर सकता हूँ और मुझे आभास हो रहा है कि वह कोई खतरनाक योजना पर काम करने जा रहा है। वह पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाने जा रहा है, और इस बार वह काम विमान, टैंक या रॉकेटों से नहीं करेगा। इस बार उसके पास शैतानी शक्ति है। मुझे उसका मुकाबला करने के लिए शक्तिशाली सदात्मा की जरूरत है, तुम्हारी। जीवो इस वक्त अफगानिस्तान की दक्षिणी तरफ है, हमको वहीं चलकर उसे रोकना होगा। अगर मैं तुम्हारी बातों को सही मान भी लूं तो भी मैं अफगानिस्तान नहीं जा सकता। मुझे कश्मीर जाना है, प्लूटोनियम बम ढूंढने। वहां जाने की चिंता तुम छोड़ दो, नागराज नाम का तुम्हारा मित्र पहले ही वहां पर पहुंच चुका है। वह स्थिति को संभाल लेगा, तुम स्वयं देख लो। मस्तिष्क की आंखों द्वारा ध्रुव कुछ दृश्य दिखाई देने लगे। ओह, नागराज मुसीबत में है। काश मैं तुरंत उसकी मदद को वहां पहुंच सकता। उसकी चिंता तुम मत करो, आखिरकार विजय नागराज की ही होगी। कुछ गड़बड़ लगती है, मुझे चंडिका के रूप में तैयार होकर यहाँ आना चाहिए। ठीक है, तुम्हारी शक्तियां देखकर मुझे भरोसा हो गया, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। तो फिर आओ। एक धुंध ध्रुव और मारिया के शरीर को अपने आगोश में लेने लगी, और श्वेता के चंडिका के रूप में बदलकर वापस आने तक दोनों के शरीर वहां से गायब हो चुके थे। ध्रुव, ध्रुव कहाँ हो तुम? ये धुंध कैसी है? ध्रुव यहाँ नहीं है, जरूर वे इसी धुंध में गायब हुआ है। बिना सोचे समझे चंडिका भी उस धुंध में कूद गई और उसका शरीर भी उसी धुंध में घुलने लगा। ध्रुव और मारिया के पीछे चंडिका भी एक सफर पर रवाना हो गई थी, लेकिन नागराज जिस सफर के लिए रवाना हुआ था उसे अभी समाप्ति पर पहुंचना शेष था। आह, चारों तरफ बर्फ से ढका होने के कारण मेरे सर्व सेना एकदम सुस्त हो गई है। इनका हमला ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं हो पा रहा है। अब मात्र एक ही शस्त्र बच गया है, मेरी विश्वंकार। अगर मैं किसी तरह से विश्वंकार को बिना हवा में जमे इनके नथनों तक पहुंचा सकूं तो वाह, एक तरीका समझ में तो आ रहा है, लेकिन उसके लिए मुझे सर्पों का प्रयोग दूसरी तरह से करना होगा। अगले ही पल नागराज की कलाइयों से निकलते सर्प एक भौंपूसा आकार धारण करने लगे। बन गया काम। अब जब मेरी फुंकार इस भौंपूसे होकर निकलेगी तो सर्पों के शरीर की गर्मी उसे जमने से बचाए रहेगी, लेकिन इनको बेहोश होने से कोई नहीं बचा पाएगा। अब मुझे इतना समय मिल जाएगा कि मैं अपनी शक्ति को समेट कर इस बर्फीली कैद से आजाद हो सकूं। ओह, नागराज आजाद हो गया है। प्यूमा भी होश खो बैठी है, अब इसको रोक पाना असंभव है। हाँ कमीने, अब मेरा रुक पाना संभव है और तुम लोगों का सफल हो पाना भी। तुम लोगों को पीटने के बाद मैं प्लूटोनियम बम को ढूंढ कर उसे सेना के विशेषज्ञों को निष्क्रिय करने के लिए दे दूंगा। आह, तुझे इसका मौका नहीं मिलेगा नागराज। वैसे तो यह बम हमको कल फोड़ना था, पर शायद श्रीनगर वासियों की किस्मत पे कयामत का दिन आज ही लिखा है। अब मैं इस रिमोट का बटन दबाऊंगा और प्रलय आ जाएगी। हे देव कालजई, इसने तो बम को फोड़ दिया। इन लोगों ने बम काफी सोच समझ कर लगाया है। बम की गर्मी से जो बर्फ पिघली है उस पानी का रुख सीधा श्रीनगर की तरफ है। मुझे श्रीनगर को बचाना होगा, पर कैसे? नागराज भी गिरते पानी के साथ साथ नीचे की तरफ लपक गया। तेजी से नीचे गिरता नागराज गिरते पानी से भी नीचे पहुंच गया था, क्योंकि पानी चट्टानों पर गिरता हुआ थम थम कर नीचे आ रहा था। पानी को यहाँ आने में कुछ पलों का वक्त और लगेगा। बहते पानी को हमेशा बांध बनाकर रोका जाता है और यह स्थान बांध बनाने के लिए बहुत उचित है। अगले ही पल नागराज की कलाइयों से सैकड़ों सर्प बाहर निकलकर चट्टानों से अपने शरीर को लपेट कर बांध बनाने लगे, और जब गिरता पानी वहां पर पहुंचा तो वह नाक बांध तोड़कर आगे नहीं बढ़ पाया। इस ठंडे पानी से तुम लोगों को कुछ तकलीफ तो जरूर होगी मित्रों, लेकिन जब तक मैं कोई और रास्ता नहीं सोच लूं तब तक तुम लोगों को इस पानी को यहीं रोके रखना है। पानी ठंडा नहीं है बल्कि विस्फोट के कारण गर्म हो गया नागराज,
हमको ज्यादा समस्या इस पानी में मौजूद हल्की रेडियो धर्मिता से हो रही है, पर चिंता मत करो, हम तुम्हारे आदेश का पालन करेंगे। लेकिन इससे पहले कि नागराज कोई और उपाय सोच पाता, वह चीख उठा। ठंडे लोहे की धार उसकी पीठ को काट गई थी। अरे ये क्या हो रहा है, मेरे शरीर पर लगा घाव भर नहीं रहा है और मुझे कमजोरी भी लग रही है। समझ गया, मेरे शरीर में से अधिकतर सब बांध बनाने के लिए बाहर निकल गए हैं, इसलिए जो घाव वे तुरंत भर देते थे अब भर नहीं पा रहे हैं, और नागों की कमी के कारण मुझे कमजोरी भी लग रही है। ऐसे में अगर मुझे चाकू के कुछ और वार लग गए तो ज्यादा खून बह जाने के कारण मेरी मौत भी हो सकती है। नागराज एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस रहा था और ध्रुव गियोटो की आत्मा के साथ पहली मुसीबत के सामने पहुंच चुका था। ये आवाजें कैसी? ओह, तुमको प्रकट होने के लिए इससे अच्छी जगह नहीं मिली थी गियोटो? तुमने तो हमें एक भीषण युद्ध के ठीक बीचों बीच उतार दिया। हमको इसी सैन्य मुख्यालय पर आना था ध्रुव, क्योंकि जिस चीज के जरिए हिटलर मानव जाति को गुलाम बनाना चाहता है वह इसी इमारत के नीचे है। इमारत लगभग नष्ट हो चुकी है और मुझे आभास हो रहा है कि जीवों के शरीर में हिटलर की आत्मा वहीं पर गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के टैंक और उन पर बना नाजी स्वास्तिक का निशान देखकर तुम्हारी बात पर यकीन करना ही पड़ेगा। लेकिन अब हम क्या करें, वह हिटलर तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। वह इमारत के अंदर है, मैं इमारत में जा रहा हूँ, क्योंकि जीवो हिटलर को तुरंत रोकना होगा। तुम इन टैंकों का ध्यान अपनी तरफ खींचो ताकि इनके हमले से मारिया के शरीर को कोई नुकसान न पहुंचे। ओह, हिटलर ने भी शायद बेहद के साथी आतंकवादियों की मदद इसलिए ली है ताकि उसके इस इमारत में घुसने से पहले अधिकतर सैनिक मारे जाएं और वे जीवों के शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। लेकिन ये हिटलर भी कमाल का आदमी था, ना जाने कहाँ कहाँ इसने अपने शस्त्रास्त्रों को छुपा कर रखा था। ध्रुव की हरकत ने टैंक के अंदर बैठे गुरिल्ला सैनिकों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। कोई भाग रहा है कमांडर, देखने से तो सैनिक नहीं लगता पर है हट्टा कट्टा। यहाँ पर सैनिकों के अलावा और कौन होगा, जरूर ये मदद लेने जा रहा है। टैंकों के इसके पीछे ले चलो, इमारत को नष्ट करने का काम तो पूरा हो ही चुका है। ध्रुव टैंकों का ध्यान अपनी तरफ खींचने में सफल हो गया था और थोड़ी देर में वह टैंकों को इमारत से थोड़ी दूरी पर खींच लाया था। लेकिन किसी अजनबी इलाके में लड़ने का कुछ नुकसान तो होता ही है और ध्रुव के साथ भी यही होने जा रहा था। ओह, आगे तो चट्टानी पहाड़ी से रास्ता बंद है, मैं आगे भाग नहीं सकता। अब मुकाबला करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन टैंकों के गोलों का कोई कैसे मुकाबला कर सकता है? एक अकेली जान तीनों टैंकों का सामना कर रही थी और वहां से दूर एक दूसरी जान जाने वाली थी। ये दो तरफ से मुझ पर वार कर रहे हैं। वैसे तो ये है मामूली गुंडे, लेकिन मेरी इस कमजोर हालत में ये मुझ पर हावी हो रहे हैं। मेरे शरीर के अंदर सब द्विगुणित होने शुरू हो गए हैं, लेकिन उनको एक निश्चित संख्या में आने तक समय लगेगा और तब तक मैं इनको शायद रोक नहीं पाऊंगा। मुझे मदद की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर मदद कहाँ से मिलेगी? पुलिस को भी पता नहीं कि मैं यहाँ पर हूँ। नागराज जिस मदद की तलाश में था वह बेहोशी से होश के आलम में आ रही थी। अरे ये मैं कहाँ, ओह याद आ गया, मेरी याददाश्त वापस आ गई है। और कमाल की बात तो यह है कि याददाश्त खोने के बाद जो कुछ भी हुआ वह भी मुझे याद है। नागराज, नागराज कहाँ गया? बाकी सभी बेहोश हैं, हवा में जलने की महक और पानी की एक मोटी चादर पिघलकर नीचे गिर रही है, यानी बम फोड़ दिया गया है और नागराज नीचे की तरफ गया है पानी के साथ साथ। मुझे भी नीचे की तरफ जाकर नागराज की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से मैं जिंदा हूं, वरना डॉक्टर के अनुसार तो मुझे महीनों पहले मर जाना चाहिए था। नागराज ये नहीं जानता होगा कि प्यूमा और ब्लैक कैट एक ही शख्सियत के दो रूप हैं। वही ब्लैक कैट यानी रिचा, जो नागराज की विश्वंकार भारतीय कम्युनिकेशन के कंट्रोल स्टेशन के बाहर खाकर बेहोश हो गई थी, मेरी याददाश्त उसी वार के कारण ही चली गई होगी। लेकिन नागराज की उसी फुंकार का वार खाकर मेरी याददाश्त वापस आ गई और मैं अपनी गंभीर बीमारी के बावजूद भी जिंदा रही। यह भी अवश्य विश्वंकार के कारण ही हुआ होगा। मुझे इसके लिए नागराज का धन्यवाद अदा करना चाहिए। नागराज को धन्यवाद की नहीं बल्कि मदद की जरूरत थी। मेरे शरीर में धीरे धीरे शक्ति वापस आ रही है, यानी सूक्ष्म सड़कों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन क्या पूरी शक्ति वापस आने तक मैं जिंदा रहूंगा? नागराज को इस सवाल का जवाब जानने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि यह परिस्थिति आई ही नहीं। अरे ये पीमा अपने ही आदमियों को क्यों मार रही है? खैर फिलहाल तो ये मेरी मदद ही कर रही है और इस गुंडे से मैं अब आराम से निपट भी सकता हूँ। पीमा यानी ऋचा की मदद और अपने शरीर में फिर से होती शक्ति के संचार के कारण नागराज के दोनों आतंकवादी को चित करने में वक्त नहीं लगा।
मेरे शरीर के घाव भर रहे हैं, यानी मेरे शरीर के सेल फिर से अपनी सामान्य मात्रा में आ रहे हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया प्यूमा कि तुमने अपने ही साथियों को मारकर मेरी मदद क्यों की। ये मेरे साथी नहीं है नागराज, यह तो मेरी याददाश्त चली जाने के कारण मेरे साथी बन गए थे। अब मुझे याद आ गया है कि वास्तव में मैं कौन हूँ। मैं ब्लैक कैट हूँ नागराज, जिससे तुम्हारी मुठभेड़ भारतीय कम्युनिकेशन के कंट्रोल स्टेशन पर हुई थी। तुम्हारी विश्वंकार के कारण मेरी याददाश्त चली गई थी, और जब मैं पहाड़ों में भटक रही थी तो एक बूढ़े पहाड़ी ने मुझे सहारा दिया। वह मेरी कलाबाजी के करिश्मे देखकर रोजी रोटी कमाता था, लेकिन वह लालची निकला। उसने मुझे आतंकवादियों के हाथ बेच दिया। लेकिन जब तुमने इस बार फिर मुझ पर फुंकार का प्रयोग किया तो मेरी याददाश्त वापस आ गई। दरअसल मुझे स्नायु तंत्र की एक लाइलाज बीमारी थी। 2 साल पहले डॉक्टरों ने मेरी बची उम्र सिर्फ 6 महीने बताई थी, लेकिन मैं अब तक जिंदा हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि यह सिर्फ तुम्हारी विश्वंकार का कमाल है। उसने मेरे स्नायु तंत्र की खराबी को दूर कर दिया। कभी कभी जहर भी दवा का काम करता है प्यूमा, यानी ब्लैक कैट। खैर, ये मामला तो सुलझ गया, पर इस रेडिएशन युक्त बाढ़ का क्या किया जाए? जल्दी करो नागराज, एक तो ये रेडिएशन युक्त पानी हमारी शक्ति को नष्ट कर रहा है, और दूसरे अब ये पानी ठंडा भी होता जा रहा है। सारे नाक सुप्त अवस्था में पहुंच रहे हैं। अगर ऐसा हो गया तो ये बांध टूट जाएगा। ओह, क्या करूं? मैं इस पानी को ना तो जमा सकता हूँ, ना ही वापस ऊपर भेज सकता हूँ, और अगर इसे छोड़ा तो श्रीनगर तबाह हो जाएगा। इस पानी का रुख मोड़ दो नागराज। रुख मोड़ दूं? पर कैसे? पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं नागराज? पाइप का। ओह, मैं समझ गया। ये बात तो मुझे पहले ही समझ जानी चाहिए थी ब्लैक कैट, लेकिन परेशानी में शायद मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। वैसे भी ये काम पहले कर पाने के लिए मेरे शरीर में पर्याप्त सर्प नहीं थे। अगले ही पल नागराज की कलाइयों से सर्पों की बाढ़ बाढ़ निकल कर मोटे पाइप का रूप लेने लगी। अब मैं इस पाइप का रुख पहाड़ के दूसरी तरफ मोड़ दूंगा, ताकि ये पानी बहकर बिना आबादी वाले इलाके की तरफ निकल जाए। नागराज की कोशिशें सफल हुई। नाक पाइप के जरिए पानी बहता हुआ दूसरी तरफ निकल गया। अपना काम करके सभी सर्प फिर से नागराज के शरीर में समा गए। अब सिर्फ एक ही काम बच गया है, पुलिस को जाकर इन्फॉर्म कर देना है, ताकि वह इन आतंकवादियों को जाकर समेट ले। नहीं नागराज, ये काम तो मामूली सा था। असली काम तो उस लड़के को रोकना है जो बेहात और कश्मीरा को लेकर यहाँ आया था। मुझे आभास हुआ था कि उस लड़के के अंदर कुछ अद्भुत शक्तियां थीं, और इन शक्तियों का प्रयोग दुनिया को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा था। सारी बातचीत मेरे सामने ही हो रही थी। मुझे पता है कि वह यहाँ से कहाँ गया है। मेरे ख्याल में हमको वहां जाकर जांच करनी चाहिए। तुम ठीक कह रही हो, उस लड़के की शक्तियां मैंने भी देखी थी, लेकिन प्लूटोनियम बम के चक्कर में मैं उसे भूल ही गया था। हमको उस लड़के के इरादों का पता तो करना ही होगा। मैं एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम करता हूँ, आओ मेरे साथ। नागराज की मुसीबतें खत्म हो गई थी, लेकिन ध्रुव के लिए मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी। इन टैंकों से निपटने का कोई ना कोई तो रास्ता जल्दी ही निकालना होगा, वरना जल्दी ही कोई ना कोई गोला मेरे चीतड़े आह सिर पर लगे पत्थर के टुकड़े ने ध्रुव के होश उड़ा दिए थे। उसको आभास नहीं था कि टैंक की नाल उसकी तरफ तन चुकी है। ध्रुव के चीतड़े उड़ा देने के लिए गोला दगा, लेकिन ध्रुव के शरीर तक नहीं पहुंच पाया। आह चंडिका, तुम यहां पर कैसे आ गई? वैसे ही जैसे तुम आ गए। अब ये आने जाने का ध्यान छोड़ो और इन टैंकों से निपटने का उपाय सोचो। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। 3 टैंक हैं, एक से तुम निपटो, दूसरे को मैं देखता हूँ, तीसरे से बाद में मिलकर निपट लेंगे। चंडिका एक टैंक की तरफ लपक गई। ध्रुव ने अपना ध्यान दूसरे टैंक की तरफ मोड़ दिया। यह लड़का हमारी तरफ बढ़ रहा है, अब हम क्या करें? चीथड़े उड़ा दो इसके, और अगर फिर भी बच जाए तो कुचल डालो इसको। लेकिन ना तो गोले ही ध्रुव के चीथड़े उड़ा पाए, और ना ही पहिए उसको कुचल पाए। जो चाहता था वह तो मैंने कर दिया। मैं टैंक के बगल में आ गया हूँ, और अब इसको नष्ट करने का उपाय करता हूँ। ये टैंक का फ्यूल टैंक है, और इसको छेद करने का काम मेरा एसिड कैप्सूल कर देगा। मैं टैंक के इतनी पास हूँ कि मुझे खत्म करने के लिए टैंक वालों को टैंक से बाहर निकलना ही पड़ेगा। निकल आया, अब तू जिंदा नहीं बचेगा लड़के। गोलियों से बचने के लिए टैंक से उछलकर दूर जाते जाते भी ध्रुव ने फ्यूल टैंक में हुआ वह छेद देख लिया था, जिससे टपक कर पेट्रोल की एक धार दूर बहती जा रही थी। और गोली चलाओ, क्योंकि बगैर तुम्हारी गोली चलाए तो मेरा प्लान पूरा हो भी नहीं सकता। अब मैं टैंक से काफी दूर आ चुका हूँ, अब मुझे लपक कर पेट्रोल की यह धार पार करनी है, क्योंकि मुझे मारने के लिए चलती अंधाधुंध गोलियों में से एक ना एक तो इस धार पर लगेगी।
शमशून बाहर कूद, और गोली लगने से पेट्रोल में लगी आग इस धार से उठी फ्यूल टैंक तक पहुंच जाएगी। फ्यूल टैंक में लगी आग से टैंक एक धमाके के साथ फट पड़ा। ध्रुव का प्लान सफल हो गया था और अब बारी चंडिका की थी। ये तो कोई लड़की है, ये कहाँ से आ गई? टैंक के आगे तनकर खड़ी है, लगता है इसको इसको जान की परवाह नहीं है। तो फिर इनकी जान हम ले लेते हैं, लेकिन इस पर तोप का एक गोला क्यों बर्बाद करें? इसको जहन्नुम पचाने के लिए तो एक गोली ही काफी है। तो चल बाहर निकलते हैं टैंक से। मैं सोच ही रही थी कि तुम लोग गोला दागोगे या गोली। अच्छा हुआ कि तुम लोगों ने खुद ही यह सस्पेंस खत्म कर दिया। सस्पेंस खत्म हो गया तो अब तू भी खत्म हो जा। बता, तुझे तड़पा तड़पा कर मारें या एक झटके में खत्म कर दें? वह तुम लोग खुद ही तय कर लेना, क्योंकि मैं कुछ बताऊंगी तो भी तुम लोग सुन नहीं पाओगे। अभी अगर तुम कुछ सुन पाओगे तो सिर्फ मेरी अल्ट्रासोनिक विसल। चंडिका ने अपनी बेल्ट के बक्कल के अंदर लगा अल्ट्रासोनिक सर्किट ऑन कर दिया और दोनों गोरिल्ला सैनिक बंदूकें छोड़कर चिल्ला उठे। उनके कानों को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन उनके मस्तिष्क को घातक तरंगे जोरदार तरीके से महसूस हो रही थी। पर उनकी ये दयनीय हालत ज्यादा देर तक नहीं रही। कोई मदद चाहिए चंडिका? क्योंकि चंडिका ने उनके मस्तिष्क को अंधेरे में डुबा दिया था। कोई मदद चाहिए चंडिका? नहीं ध्रुव, तुम फटाफट टैंक में बैठो, मैं भी अभी आती हूँ। अब तीसरे टैंक से ये दूसरा टैंक ही निपटेगा। तीसरे टैंक के अंदर बैठे विद्रोहियों की नजरें इसी लड़ाई पर गड़ी हुई थी। वे दोनों हमारे साथियों को बेहोश करने के बाद अब टैंक में घुस रहे हैं। इनके इरादे आखिर क्या हैं? ध्रुव और चंडिका के इरादे जल्दी ही स्पष्ट हो जाने वाले थे। तुम ये टैंक चला सकते हो या नहीं ध्रुव? मुझे टैंक चलाना तो आता है, पर यह टैंक मैंने कभी नहीं चलाया। लेकिन अगर ये गधे टैंक चला सकते हैं तो मैं भी चला सकता हूँ। ध्रुव ने जल्दी ही निरीक्षण करके टैंक के कंट्रोल को समझ गया। अब मैं एक ही निशाने में इस तीसरे टैंक को बेकार कर दूंगा। नहीं ध्रुव, ये गलती मत करना। ये टैंक जहाँ से आए हैं वहाँ और भी हथियार हो सकते हैं। हमारा मुख्य इरादा इनके अड्डे का पता लगाना होना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो, मैं इनको वापस करके इनके बिल की तरफ खदेड़ने की कोशिश करता हूँ। वही हुआ जैसा कि ध्रुव ने सोचा था। टैंक को भगा करीमे, दो टैंक वाले तो पिट गए, लेकिन हमको नहीं पिटना है। विद्रोहियों का टैंक बचने के लिए अपने अड्डे की तरफ भागा और ध्रुव का टैंक उनके पीछे। उधर ध्रुव विद्रोहियों से निपट रहा था और इधर मारिया के शरीर में स्थित गियोटो जीवो के शरीर पर कब्जा जमा हिटलर के सामने पहुंच चुका था। आओ गियोटो आओ, तुम्हारे आने के संकेत मुझे मिल रहे थे। इससे मिलो, ये है मेरा वफादार वैज्ञानिक शिंडलर। इसकी आत्मा से मेरी मुलाकात हुई थी। उसी से मुझे पता चला कि इसने अपना प्रयोग पूरा तो कर लिया था, लेकिन तब तक मैं आत्महत्या कर चुका था। अपनी जिंदगी का मकसद व्यर्थ जानकर इसने इस अंडरग्राउंड लैब के अंदर बम लगा दिया और यह लैब विस्फोट में नीचे दब गई। यह लैब इसकी कब्र बन गई, लेकिन इसका आविष्कार नहीं मरा। जानना चाहते हो इसका आविष्कार क्या था? ये वायरस टैली। इस वायरस के दो भाग हैं, मदर वायरस और चिल्ड्रन वायरस। इस छोटे सिलेंडर में है मदर वायरस और इस बड़े सिलेंडर में है चिल्ड्रन वायरस भरा हुआ। देखो, ये मदर वायरस मैंने पी लिया और अब बाकी दुनिया को पिलाऊंगा मैं चिल्ड्रन वायरस। ये दोनों वायरस मस्तिष्क में जाकर बैठ जाते हैं। ये मदर वायरस अब मेरे यानी जीवों के शरीर दिमाग में फिट हो गए हैं, और जब इस चिल्ड्रन वायरस को मैं पृथ्वी के वातावरण में फैलाऊंगा तो यह हर जीवित प्राणी के सांसों से होता हुआ इसके सब उन सब के दिमाग में प्रविष्ट हो जाएगा। इन दोनों वायरसों का आपस में विचार तरंगों द्वारा मेल रहेगा और मदर वायरस सारे चिल्ड्रन वायरसों का कंट्रोल करेगा, यानी मैं सारे पृथ्वीवासियों को कंट्रोल करूंगा। तेरा यह सपना मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा दुष्ट तानाशाह, क्योंकि मैं यहाँ पर तेरे मनसूबा का पानी फेरने के लिए ही आया हूँ। तू भूल गया गियोटो की अगर तेरे अंदर आत्मिक शक्तियां हैं तो मेरे अंदर भी शैतानी शक्तियां हैं जो तुझसे निपटने के लिए काफी हैं। भूमिगत प्रयोगशाला एक अंधा कर देने वाले चमक से भरने लगी। अच्छा हुआ कि तू अपने आप ही मेरे सामने आ गया, वरना तुझे ढूंढने में मुझे अपना समय बर्बाद करना पड़ता। अब तू यहां से बचकर नहीं जाएगा। मारिया के शरीर में घुसी गियोटो की आत्मा हिटलर का मुकाबला कर तो रही थी, लेकिन शैतानी शक्तियां गियोटो पर धीरे धीरे भारी पड़ रही थी। अब मैं तेरी बेटी के मारिया के दिमाग को सुन्न कर दूंगा और फिर इस बेकार शरीर के जरिए तू कुछ नहीं कर पाएगा। तू भूल रहा है दुष्ट, मैं एक ओझा भी हूँ और मुझे इंसान के शरीर से भूतों को निकालना आता है। गियोटो मारिया की उंगलियों को तेजी से हवा में नचाने लगा।
और उस उंगली से निकलता हुआ धुआं हवा में जमकर एक तांत्रिक आकृति की रचना करके जीवों के शरीर को अपने घेरे में लेने लगा। ये क्या हो रहा है? मेरा दम घुट रहा है। रोक रोक दे गियोटो इसको, मैं तड़प रहा हूं। तड़प और तड़प दुष्ट, अब तुझको जीवों के शरीर से बाहर आना ही पड़ेगा, और तेरे आत्मिक रूप में बाहर निकलते ही मैं तुझको वहीं भेज दूंगा जहां से निकलकर तू इस लोक में आया है। जीवों के गले से निकलती भारी आवाज की चीत्कारों से लैब गूंजने लगी और फिर जीवो पस्त होकर बैठ गया। ये क्या हुआ? लगता है हिटलर की आत्मा शक्तिहीन हो रही है। गियोटो का ख्याल शायद सही था, क्योंकि अगले ही पल जीवो के गले से निकलती आवाज पतली हो गई थी। माँ, ये क्या हो रहा है? मुझे दर्द क्यों हो रहा है? यह तो जीवो की आवाज है, यानी मैं हिटलर की आत्मा को बाहर तो नहीं निकाल पाया, पर मैंने उसे शक्तिहीन कर दिया है। मैं तुमको अभी इस फंदे से बाहर निकालता हूँ बेटे। तुम्हारी आवाज मोटी क्यों हो गई है माँ? और मेरी गर्दन, मेरे बदन पे ये कपड़े कैसे आ गए? अभी बताती हूँ बेटा, आजा मेरे पास। आता हूँ, अभी आता हूँ मम्मी। अरे ये तो हिटलर की आवाज। हाँ ये मेरी आवाज है मूर्ख, मैं सिर्फ शक्तिहीन होने का नाटक कर रहा था, और तूने मेरे छलावे में फंसकर अपने तांत्रिक बंधनों को हटा लिया। असावधान गियोटो मारिया के शरीर के जरिए एक भीषण वार कर अपने होश खो बैठा। होश खो बैठा गियोटो, मैं तुझे मार तो नहीं सकता, और जब तक तू इस औरत के शरीर में है तब तक इसको भी मार नहीं सकता, लेकिन मेरा यह वार खाकर तू काफी देर तक शक्तिहीन रहेगा, और तब तक मैं अपनी शक्ति को इतना बढ़ा दूंगा कि तू तो क्या, परमात्मा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब मेरा सबसे पहला काम इस चिल्ड्रन वायरस को धरती के वातावरण में फैलाना है। अगले ही पल पृथ्वी की सतह को तोड़ता हुआ जीवो का शरीर जब बाहर आया तो उसके हाथ में चिल्ड्रन वायरस से भरा हुआ सिलेंडर भी था, जिसकी किस्मत में एक पल बाद फट जाना लिखा हुआ था। जल्द ही यह वायरस पूरी पृथ्वी के वातावरण में फैल जाएगा, और थोड़ी देर में इस वायरस का असर मानवों पर होना शुरू हो जाएगा, और तैयार होने लगेंगे बिना शर्त मेरे तलवार चाटने वाले गुलाम। हिटलर की कुटिल योजना अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी, और ध्रुव अभी इस कहर की जानकारी से भी अनजान था। हम बागियों के पीछे चल तो रहे चंडिका, लेकिन एक टैंक के बूते पर उनसे निपट पाना मुश्किल होगा। शायद अब तक उनको आगे वाले टैंक द्वारा खबर हो भी चुकी होगी कि हम टैंक पर चढ़कर आ रहे हैं। नहीं ध्रुव, उसका एंटीना टूट गया है, वह इतनी दूर संचार तरंगे नहीं भेज सकता। पर आहा, मिल गया रास्ता, वह मैसेज नहीं भेज सकता पर हम तो भेज सकते हैं। यह रहा रेडियो ट्रांसमीटर, और यह रही इन विद्रोहियों के अड्डे की फ्रिक्वेंसी। अगले ही पल विद्रोहियों के हेडक्वार्टर में ट्रांसमीटर खटखटाने लगा। किसका मैसेज है नवाज? हेलो हेडक्वार्टर, एक टैंक पर सैनिक कब्जा होकर हेडक्वार्टर आता खट। शायद टैंक से आ रहा था, बहुत डिस्टरबेंस थी, पर इतना पता लग गया है कि सैनिकों ने टैंक पर कब्जा कर लिया है और वे उसी पर चढ़कर इधर आ रहे हैं। लेकिन अब वे सफल नहीं होंगे, क्योंकि हमारे जापान साथियों ने हमको पहले ही मैसेज दे दिया है, अब हम उनको आते ही उड़ा देंगे। एक मैसेज तो गया, अब टैंक वालों की बारी है, इनको भी टूटी फूटी अफगानी में उल्टा मैसेज सुना दो। वाह चंडिका, मान गए तुमको, तुम दुश्मन को आपस में ही लड़ाने की योजना बना रही हो। और फिर आ गया भागते टैंक का भी ट्रांसमीटर हरकत में आ गया। हेलो वफादार साथियों, हेडक्वार्टर पर क्या सैनिकों का कब्जा या अल्लाह, हेडक्वार्टर पर सैनिकों का कब्जा हो गया है, और हम हेडक्वार्टर के इतनी पास आ गए कि वापस भाग नहीं सकते, अब मुकाबला करना ही पड़ेगा। आ गए कुत्ते, दाग गोला। अगले ही पल दो टैंकों से गोले निकलकर करीमे के टैंक की तरफ लपके, और उस टैंक का पुर्जा पुर्जा हिल गया। लेकिन अंदर घातक रूप से घायल हो चुके गोरिल्ला सैनिकों को बिना बदला लिए मरना गंवाना नहीं था। आह, अब हम नहीं बचेंगे, लेकिन लेकिन हम इनको भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये टैंक बेकार जरूर हो गया है, पर मैं अब भी आह गोला दाग सकता हूँ। वे हम पर अब भी गोला दाग रहे हैं मूर्ख, कहीं के टूटे टैंक से क्या खाक सही निशाना लगेगा? टूटे टैंक से सही निशाना लगना मुश्किल तो था, लेकिन निशाना वे टैंक थे भी नहीं। अरे अरे, ये गोला तो हमारे ऊपर से होते हुए गुफा के अंदर जा रहा है। गुफा के अंदर तो गोले बारूद का एक बड़ा भंडार मौजूद है, अगर ये गोला अंदर जाकर फट गया तो सब नष्ट हो जाएगा। एक भयंकर धमाके के साथ गुफा चट्टानों में बिखर गई, और ध्रुव और चंडिका के वहां पहुंचने तक सब खत्म हो चुका था। ओह, यहाँ तो कुछ ज्यादा ही तबाही मच गई। अगर मैं जानता कि इन आतंकवादियों का ये हाल होना है तो मैं कोई और योजना बनाता। तुमने किसी की जान नहीं ली है ध्रुव,
वैसे भी ये शहर का अपराध नहीं, युद्ध है, और इस युद्ध के आखिरी शहीद तुम दोनों होने वाले हो। ओह, कुछ गुरिल्ला सैनिक बच गए हैं, और इतनी दूर से इनका निशाना चूक पाना मुश्किल है। चाहे हम कितनी कलाबाजियां ही क्यों ना खा लें। ट्रिगर पर उंगली दबने लगी और ध्रुव टैंक की आड़ लेने को तैयार हो गया, लेकिन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। सांप, सांप कहाँ से आ गए? सांप को तो एक, सांप का तो एक ही मतलब होता है, नागराज। तुम यहां पर कैसे आ गए नागराज, और ये कौन है? इससे तो तुम हिमालय पर लड़ रहे थे। यह तुम्हारी पुरानी दोस्त ब्लैक कैट है ध्रुव, लेकिन तुमको कैसे पता चला कि मैं हिमालय पर था और इससे लड़ रहा था? जवाब में ध्रुव नागराज को सारी कहानी सुनाता चला गया। और फिर नागराज ने भी ध्रुव को प्लूटोनियम बम की तलाश में कश्मीर जाने और वहां पर आतंकवादियों से मुठभेड़ रहने की दास्तान सुना दी। और फिर जब ब्लैक कैट ने मुझे उस लड़के के बारे में ध्यान दिलाया और उसके मिलने का स्थान ये बताया, तो मैं अपने दोस्त राज के जरिए भारतीय कम्युनिकेशन का हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ आ गया। इस गुफा में हुए धमाके ने मुझे बिल्कुल सही जगह पर पहुंचाया था। राज, दरअसल नागराज का ही दूसरा गुप्त रूप है। हेलीकॉप्टर को यहाँ से थोड़ी दूर पर उतारकर हम धुएं का पीछा करते करते यहाँ पर आ गए, लेकिन यहाँ ना तो वह लड़का दिखाई दे रहा है और ना ही वह महिला जो तुमको यहाँ पर लेकर आई है। उसको मैं यहाँ के तबाह हो चुके सैनिक मुख्यालय पर छोड़कर आया था। वापस जाकर देखना होगा वहां पर आखिर क्या हुआ। वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी मददगार मारिया वहां पर बेहोश पड़ी हुई है। जीवो हवा में उड़ता हुआ? जीवो नहीं, हिटलर बोल, हिटलर महान। मैं यहाँ पर अपने गुलाम सैनिकों को एक नए सफर पर ले जाने आया था, लेकिन उनको नष्ट करके तुम लोगों ने अपने आप को हिटलर का दुश्मन साबित कर दिया है। यह दूसरी बार तुम लोगों ने मेरा रास्ता काटा है, इसलिए तुम लोगों की एक ही सजा है, मौत। हम मौत से नहीं घबराते, तू कुछ भी कर ले, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन हम तुमको तुम्हारे नापाक इरादों में कामयाब नहीं होने देंगे। छोटे मुंह और बड़ी बात। चाहूं तो मैं अभी, अरे मूर्ख लड़कियों, हिटलर पर हमला कर रही हो, देख लिया ना नतीजा? हाँ, तो मैं कह रहा था कि चाहूं तो तुम लोगों को अपने गुलामों में शामिल कर लूं, और चाहूं तो तुम्हारी आत्माओं को निकालकर उड़ा दूं, लेकिन मुझे मजा तब आएगा जब तुम लोग तड़प तड़प कर मरोगे, जैसे आदमी दम घुटने से मरता है, दलदल में डूबकर। अरे, जमीन दलदली हो गई और हम इसमें धस रहे हैं। देखा, मैंने तुम लोगों के लिए इस चट्टानी जमीन को एकदम असली दलदल में बदल दिया है। अब इसमें तुम दोनों डूबोगे और मैं आधे घंटे तक यहीं खड़ा रहूंगा, ताकि अगर तुम दोनों सांस बचाकर निकल आओ तो तुम लोगों को फिर से डुबो दूं। नागराज, डूब जाने में ही भलाई है, इससे पहले कि ये मेरा दिमाग पड़े, ध्यान से सुनो। नागराज और ध्रुव के दलदल में डूबते शरीर धीरे धीरे दलदल की कीचड़ के पर्त में ढकने लगे। पहले मेरी योजना अपने हथियारों और इन आतंकवादियों की सेना की मदद से हिंदुस्तान को फतह करने की थी, लेकिन वायरस टैली सही सलामत मिलने के बाद मुझे ना तो हथियारों की जरूरत रही और ना ही सेना की। अब हिंदुस्तान तो क्या, पूरी दुनिया मेरी गुलाम होगी। अगर तुम लोगों को तड़पा तड़पा कर मारने में मुझे मजा ना आ रहा होता, तो मैं दुनिया के गुलाम बनने का दृश्य तुम लोगों को जरूर दिखाता। नागराज और ध्रुव के शरीर दलदल में लुप्त हो गए और होंठों पर मुस्कान लिए हिटलर आधे घंटे का समय गिनने लगा। 1797, 1798, 1799 और 1800, 1800 सेकंड हो गए, यानी आधा घंटा बीत गया। इतनी देर में तो कोई भी मर जाएगा, पर इनकी आत्माएं शायद बहुत तेजी से निकल गईं, क्योंकि मुझे जाते हुए वे नजर नहीं आई। शायद मैं गिनती गिनने में व्यस्त रहा हूंगा। खैर, खेल बहुत हो गया, अब कुछ काम का काम किया जाए। इस आधे घंटे के दौरान वायरस टैली का असर दूर दूर तक फैल गया होगा, और नजदीक तो फैल ही गया है, यह इन दोनों कन्याओं को देखकर साफ पता चल रहा है। अब मैं बनने चलता हूँ इस दुनिया का तानाशाह, और ये दोनों लड़कियां होंगी मेरी पहली गुलाम। हिटलर एक खतरनाक योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए निकल चुका था, और उसको रोक सकने वाला एकमात्र शख्स अभी होश में नहीं आ रहा था। ओह, हिटलर के वार ने मुझे एकदम शक्तिहीन कर दिया था, लेकिन हिटलर गया कहाँ? मुझे अपनी शक्ति से उसका पता लगाना चाहिए। वह अपने पीछे आत्मिक कणों की एक लहर छोड़ता गया, जो इससे निकलकर यहां तक आ रही है, और यहां से, अरे यहां तो भीषण तबाही मची हुई है।
और ये दलदल यहाँ कहाँ से आ गया? ज़रूर ये हिटलर का ही किया हुआ है, क्योंकि उसकी तरंगें यहाँ तक भी आ रही हैं। पर दलदल क्यों? ज़रूर उसमें किसी को डुबोया गया है, पर किसको? और तभी जैसे कियोटो के सवाल के जवाब में नागरस्ती दलदल की सतह को छेदती हुई बाहर निकली, और उसके साथ ही साथ दो और आकृतियां कीचड़ में लथपथ बाहर निकली, ध्रुव और नागराज भी। ये यहां पर कैसे? खैर छोड़ो, तुम लोग दलदल में डूबकर भी कैसे कैसे बच गए? इन सरकंडों की और ध्रुव के दिमाग की मेहरबानी से। हमने दलदल में डूबते ही इन सरकंडों को मुंह में पकड़ लिया था, और इनकी नलियों से ही हम लोग सांस लेते रहे। हिटलर असली दलदल बनाने के चक्कर में हमको खुद ही बचने का रास्ता बता गया था। तुम लोग तो हिटलर के चंगुल से बच गए, लेकिन ये दुनिया उसके शिकंजे से नहीं बच पाएगी, क्योंकि उसने वायरस टैली को हासिल करके उसके मदर मदर हिस्से को पी लिया है और उसके चिल्ड्रन हिस्से को वातावरण में फैला दिया है। इस वायरस टैली का जिक्र वह हिटलर भी कर रहा था। ये वायरस टैली आखिरकार है क्या? गियोटो ध्रुव और नागराज को सब बताता चला गया। ओह, यानी चंडिका और ब्लैकगर्ड उसी वायरस के असर के कारण हिटलर के साथ चली गई हैं। लेकिन इस पर उस वायरस का असर क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन हम पर उस वायरस का असर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वायरस का असर इस इलाके में जो होना था वो हो चुका है। अब यहाँ के वातावरण में वायरस नहीं होंगे। इस बात की सच्चाई को पास के शहर जाकर तुरंत परखा जा सकता है। ठीक है, वहां पर हम अपनी साफ सफाई भी कर सकते हैं, लेकिन पास के शहर पहुंचते ही ध्रुव और नागराज सही में स्तब्ध हो गए, क्योंकि अपने शरीर को साफ करने के बाद जब उन्होंने छानबीन शुरू की तो पाया कि पूरा शहर एकदम खाली पड़ा है। ना सड़क पर कोई जानवर तक नजर आ रहा है, और ना ही आसमान में उड़ता कोई पक्षी। लोग बदहवासी में भागे हैं। जो चीज जहां पर है वैसी ही पड़ी हुई है। आखिर यहाँ पर हुआ क्या है? उधर देखो, टेलीविजन चल रहा है और उस पर CNN का स्पेशल न्यूज बुलेटिन आ रहा है। अब तक हमारे पास सारे महाद्वीपों से समाचार आ चुके हैं। पूरी पृथ्वी की आबादी इस आश्चर्यजनक रोग से पीड़ित होती जा रही है। हमारे कैमरामैन स्पेशल प्रोटेक्टिव सूट पहनकर इस रिपोर्ट को अब तक पहुंचा रहे हैं। इस आश्चर्यजनक रोग से एकाएक रोगी संख्या शून्य हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसका दिमाग एकदम खाली हो गया है। हे देव कालजई, तुम्हारा कहना एकदम सही था कि उठो, ये तो मानव जाति अपनी तबाही की ओर जा रही है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, कभी नहीं होने दूंगा। मेरी गलती की वजह से ही हिटलर इस लोक में आया, और अब मैं ही उसे मुझे उसके संकेत मिल रहे हैं, लेकिन इस बार संकेत बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। उस नीच ने अपनी ताकत लाखों गुना बढ़ा ली है, पर कैसे? संकेत उधर से आ रहे हैं, वह दुष्ट वही है। तो चलो वहीं चलकर उसे देखते हैं। मानवता के इस भक्षक को नष्ट करने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। तीनों उस मोड़ की तरफ भागे जिसके पार एक ऐसा आश्चर्य उनका इंतजार कर रहा था जिसे ना तो कभी किसी ने देखा था और ना ही सपने में भी उसका ख्याल किया था। मैं जो देख रहा हूं वह सच है क्या? हाँ गियोटो, तू जो कुछ देख रहा है वह सच है। अपने असली रूप में तो मैं केवल इन मानवों के मस्तिष्क को ही नियंत्रित कर सकता था, लेकिन अब अपनी शैतानी शक्तियों की मदद से मैं अपना यह रूप बना सकता हूँ। अब इनके मस्तिष्क मेरे इतने करीब आ गए हैं कि मैं इन सब की मानसिक तरंगों का एक साथ प्रयोग कर सकता हूँ। अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ बैठे बैठे आसमान में घूम रहे सितारों के भी टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ। फिर तेरी शक्तियां मेरे सामने मच्छर के डंक से ज्यादा कुछ नहीं है। एक मच्छर का डंक भी किसी को मलेरिया करके उसकी जान ले सकता है। हिटलर, तू लाख कोशिशें कर ले पर तू अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाएगा। गियोटो का वार सीधा उस अपने निशाने पर लगा। और अपनी शक्तियां मुझे दे गियोटो। अब मेरे पास इतनी आत्माएं हैं कि सारे ब्रह्मांड की शैतानी शक्तियों को सोख सकता हूँ और उनका पलट कर इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। ऐसे आह, तुम ठीक तो हो ना गियोटो? हिटलर बहुत शक्तिशाली हो गया है। मैं तक अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ। फिलहाल यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। जब तक कोई रास्ता समझ में ना आए तब तक यहाँ से भाग लो। हम तो भाग लेंगे, लेकिन हिटलर हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा गियोटो। क्या इसको रोकने का कोई तरीका नहीं गियोटो? क्या हम भागते रहेंगे और ये हमको मारने के लिए हमारा पीछा करता रहेगा? एक तरीका है नागराज, मुझको मारिया का शरीर छोड़कर जीवों के शरीर में प्रवेश करके हिटलर को उसके शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन ऐसा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मारिया का शरीर मैं तभी छोड़ सकता हूँ जब मैं तुरंत किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाऊं, और हिटलर मुझे जीवों के शरीर में उतनी जल्दी घुसने नहीं देगा। अगर मानव शरीर में प्रवेश करने में मुझे थोड़ी सी देर हुई तो मैं वापस दूसरे लोक में खिंच जाऊंगा, और जीवों के अलावा मैंने
किसी और शरीर में प्रवेश किया तो वहां से मैं हिटलर की आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। अगर तुमको ऐसा शरीर मिल जाए जो दूसरों के साथ हिटलर के शरीर में प्रवेश कर सके तो भी उठो, तब तो बात बन जाएगी, लेकिन ऐसा शरीर किसका हो सकता है? नागराज का। तुम नागराज के शरीर में प्रवेश कर जाओ और फिर नागराज अपनी इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करके अपने शरीर को कणों में बदल लेगा। ऐसे तुम मानव शरीर के अंदर भी रहोगे और नागराज के कण जीवों के शरीर में प्रवेश भी कर जाएंगे। नागराज अगर अपने शरीर के कणों में बदल दे तब तो बात बन जाएगी। वैसे तो मैं और किसी के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर नागराज स्वयं मुझे अपने शरीर में आने की इजाजत दे तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। नहीं गियोटो, ध्रुव यह भूल रहा है कि कणों वाली स्थिति में मैं सिर्फ 3 पलों तक ही रह सकता हूँ। उसके बाद या तो मुझे नाग धारण करना पड़ेगा या अपने मानव रूप में वापस आना पड़ेगा। अगर मैंने 3 पलों तक ऐसा नहीं किया तो मेरे कण इधर उधर बिखर जाएंगे और फिर मैं अपनी असली रूप में कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। उसकी चिंता मत करो नागराज, मैं तुम्हारे शरीर कणों को बांधे रखूंगा, लेकिन ऐसा करने से ध्रुव अकेला पड़ जाएगा और हिटलर उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं अपनी देखभाल खुद कर लूंगा गियोटो, तुम अपना काम करो, पर जल्दी, हिटलर पास आता जा रहा है। गियोटो मारिया का शरीर छोड़कर नागराज के शरीर में प्रविष्ट होने की कोशिश करने लगा। आह, बहुत मुश्किल है नागराज, तुम अपनी आत्मा के द्वारा मुझे अंदर खींचो, मैं तभी तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर पाऊंगा। जब दोनों आत्माओं की शक्ति लगेगी, काफी जद्दोजहद के बाद गियोटो नागराज के शरीर में प्रवेश करने में सफल हो गया। ठीक है गियोटो, अब मैं अपने शरीर को कणों में बदल रहा हूँ, तुम उनको बांधे रखने के लिए तैयार हो जाओ। और हिटलर के नागराज का शरीर कणों में बदलने लगा, और हिटलर के कुछ समझ पाने से पहले ही दोनों जीवों के मुख द्वारा उसके शरीर में प्रवेश कर चुके थे। इस अचानक घटी घटना के बावजूद हिटलर ने ध्रुव का पीछा नहीं छोड़ा। मुझे उससे बेहोश मारिया से दूर ले जाना होगा, लेकिन इससे पहले कि ध्रुव भी आत्माओं की जमात में शामिल हो जाता, हिटलर का ध्यान भटकाने की कोशिशें शुरू शुरू हो चुकी थी जीवों के शरीर के अंदर। कियोटो, तू मारिया का शरीर छोड़कर जीवों के शरीर के अंदर कैसे आ गया? कैसे नहीं, क्यों पूछ दुष्ट? और इसका जवाब है, तुझे जीवों के शरीर से बाहर निकालकर तुझे तेरी सही जगह पर लेकर जाना, मुझे नरक में। मुझे यहां से ले जाने का ख्याल छोड़ दे कियोटो, मैं ना तो इस शरीर से बाहर निकलूंगा और ना ही तुझे इस जीवों के शरीर को कोई नुकसान पहुंचाने दूंगा। और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ एक नहीं बल्कि लाखों आत्माओं की ऊर्जा है, और जल्दी मेरे पास अरबों आत्माओं की ऊर्जा होगी, और फिर परमात्मा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। याद है ना, ये बात मैंने पहले भी कही थी, पर तब तू माना नहीं था। अब देख, तेरा पाश तो मुझे बांध नहीं पाया, पर मेरा पाश तुझे बंदी बनाकर ही रहेगा। इसकी शक्ति सचमुच असीमित हो गई है नागराज, मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। अब तो सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, लेकिन कहते हैं कि ईश्वर खुद कभी नहीं आता, बल्कि किसी न किसी को अपना साधन बना देता है। ऐसे बचते रहने की कोशिशें करने से कुछ नहीं होगा, मुकाबला करना होगा, लेकिन इस विराट रक्षक का मुकाबला करूं तो कैसे करूं? जैसे गियोटो ने मुझे बताया था, इसकी मुख्य शक्ति वह वायरसों की टोली है जो अपने मदर वायरस से इन मानवों के मस्तिष्क द्वारा संपर्क बनाए रखती है, और इसी शक्ति के कारण हिटलर द्वारा यह रूप बनाए रखना संभव हो पाया है। अगर मैं किसी तरह से इस वायरस को निष्क्रिय कर सकूं तो हिटलर के लिए यह रूप बनाए रखना संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन ये काम होगा कैसे? वैसे तो विषाणुओं को निष्क्रिय करने के लिए उनके द्वारा संक्रमित वस्तु को जमीन पर दबा दिया जाता है। ओ, समझ में आ गया रास्ता। जब ये वायरस इस क्षेत्र में फैल रहे थे तब हम यहीं पर थे, लेकिन हम तक ये वायरस इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि हम जमीन के नीचे दबे थे, दलदल के अंदर। इन वायरसों के असर से इन मानवों को मानसिक तरंगें छोड़ना है। अगर ये सारे मानव मिट्टी से ढक जाएं, तो इन वायरसों का ये असर निष्क्रिय हो जाना चाहिए। वैसे भी ये करके देखने में कोई हर्ज नहीं है। और अगले ही पल ध्रुव एक खास दिशा में दौड़ गया। अगर मुझे ठीक याद है तो इधर ही खुले नल से इतना पानी गिर रहा था कि जमीन कीचड़ में बदल गई थी। हिटलर भी ध्रुव के पीछे पीछे भागा और फिसलन भरी कीचड़ में अपना संतुलन खोकर नीचे आ गिरा। और जब हिटलर का विराट रूप संभल कर खड़ा हुआ था, वो पूरा कीचड़ में सन चुका था। ध्रुव का यह वार पूरी तरह से वायरस को निष्क्रिय नहीं कर पाया, परंतु उन सबके ऊपर लिपटी मिट्टी की मोती परत ने सबके मस्तिष्क से निकलती मानसिक तरंगों में व्यवधान जरूर उत्पन्न कर दिया, और मानसिक तरंगों में आए इस अवरोध के
कारण हिटलर का अन्य आत्माओं से संपर्क टूटने लगा और उसकी शक्ति तेजी से क्षीण होने लगी। ये क्या हो रहा है? बाकी आत्माओं से मेरा संपर्क कैसे टूट रहा है? मैं अकेला हो रहा हूँ। जरूर ध्रुव ने बाहर ऐसा कुछ किया है जिससे इसका बाकी आत्माओं से संपर्क कट रहा है। अब यह एक आत्मा है और हम दो। अब यह हमसे जीत नहीं सकता। इस बार गियोटो के पास से हिटलर निकल नहीं पाया। अब चलने का वक्त आ गया हिटलर, तेरे साथ साथ मैं इस मदर वायरस को भी जीवों के शरीर से बाहर निकालकर सूर्य में फेंक दूंगा, जहां यह अपने आप जड़कर नष्ट हो जाएगा। अगले ही पल जीवों के मुख से तीन तरंगे एक साथ निकली, जिनमें से एक तो नागराज के रूप में बदल गई, दूसरी किरण की शक्ति उस मदर वायरस को लेकर सूर्य की तरफ बढ़ गई और तीसरी किरण आकाश में लहरें बनाती हुई उस भंवर में गायब हो गई। इन लोगों के अंदर का वायरस भी बंद अब निष्क्रिय है। मैं चलता हूँ, विदा। ये ग्योटो की आत्मा थी जो हिटलर को अपने साथ लेकर वापस परलोक पहुंच चुकी थी। मदर वायरस के नष्ट होते और हिटलर की आत्मा के जीवों के शरीर को छोड़कर जाते ही सब तेजी से सामान्य हो गया। हिटलर के विशाल रूप में शामिल चंडिका और ब्लैक कैट भी आजाद होकर बाहर निकल आई। हम सब एक के ऊपर एक क्यों चढ़े हुए हैं? सभी एक दूसरे से सवाल पूछ रहे थे, ये क्या हो रहा है? और इनमें मारिया भी शामिल थी। ये सब क्या हो रहा है? माँ, आओ मारिया, अब चुपचाप यहाँ से निकल लो, वरना इतने सवाल उठेंगे कि उनका जवाब भी हम नहीं दे पाएंगे। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? कौन हो तुम लोग और हम यहाँ कैसे आ गए? हम आपको वीटो के पास लेकर चल रहे हैं, चल रहे हैं, और बाकी सवालों के जवाब आपको रास्ते में मिल जाएंगे। चंडिका और ब्लैक बेल्ट को भी साथ लेकर सभी वापस राजनगर की तरफ बढ़ चले, एक तानाशाह की तानाशाही को शुरू होने से पहले ही खत्म करके। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नागराज की अगली कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, वैसे तो शायद आप लोग नागराज की कॉमिक सुनते सुनते या पढ़ते पढ़ते बोर हो चुके होंगे, तो मैं सोच रहा हूँ कि नागराज की कॉमिक्स के साथ साथ कुछ और इंटरेस्टिंग सा अपलोड करना चाहिए, जैसे कि राज कॉमिक्स की थ्रिल और सस्पेंस सीरीज। उसमें से कुछ कुछ कॉमिक्स हैं, मैं टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली कॉमिक्सों में। तब तक के लिए धन्यवाद।